हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बटर पनीर मसाला, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी और यमी तरीके से। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं बटर पनीर मसाला। एक हम कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, बटर डालेंगे, इसको हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। फिर हम डालेंगे तेज़पत्ता, मोटी इलायची, 2 हरी इलायची, मोटी मतलब काली इलायची, हरी इलायची दोनों डालिएगा। इसको इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अब हम डालेंगे काजू, देखिए इस तरीके से रोस्ट करना है, काजू को भी रोस्ट कर लेंगे। प्याज, एक छोटा प्याज है, इसको भी अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे, पिंक हो जाएगा। फिर हम डालेंगे अदरक, 2 हरी मिर्चें, लहसुन, 4 से 5 कलियां लहसुन की हैं, इसको भी अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। टमाटर, 3 बड़े टमाटर हैं, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, जितना आप पसंद करते हो उतना नमक डालिए। ध्यान रखिए मसाले में सिर्फ नमक ही डालना है इस टाइम पे, और कुछ नहीं डालेंगे। इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं, प्याज है, अच्छे से गल जाए। देखिए इस तरीके से हिलाकर इसको हम, देखिए इस तरीके से हिला देंगे, और इसको हम थोड़ी देर कवर कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम बंद कर देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे कि हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। देखिए अब हम इसको खड़े मसाले अलग कर लेंगे, और जो ये हमारा मिक्सचर रेडी है, इसको ठंडा कर कर एक मिक्सी के जार में रख लेंगे, और इस तरीके से पीस के पेस्ट बना लेंगे। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर मेल्ट कर लेंगे। अब हम डालेंगे कसूरी मेथी, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी के, इससे कलर बहुत ही अच्छा और सुंदर आता है। हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच। नमक स्वाद अनुसार, ध्यान रखिए हमने मसाले में भी नमक डाला था तो उस हिसाब से डालिएगा। काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए हमने इसको मिक्स करना है, इसको ध्यान रखिए जले ना। अब हमने जो मसाला बनाया था वो मिक्सी में जो ग्राइंड किया था, उसको इस तरीके से छान लेंगे आराम आराम से। देखिए इस तरीके से ये अलग हो जाएगा, हमारा पूरा मसाला छन चुका है। इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए कलर कितना सुंदर आया। अब थोड़ा पानी डाल लेंगे इस पर, देखिए कलर कितना सुंदर आया है, बॉईल हो चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इस तरीके से ही डालिए कसूरी मेथी, जो फ्लेवर है बहुत टेस्टी आता है इसका। देखिए बॉईल आना शुरू हो गया अच्छे तरीके से। इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से बॉईल आ गया है, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। हमने पनीर करीबन इस तरीके से काटा हुआ है, और थोड़ा मोटा ही पनीर रखिए। अच्छे से मिक्स कर देंगे पनीर को। देखिए इस तरीके से इसमें हम डालेंगे क्रीम, बाज़ार की क्रीम है। अगर क्रीम ना हो तो आप घर पे जो दूध की मलाई आती है वो भी डाल सकते हो। देखिए हम क्रीम डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो आइए हम सर्व करते हैं। देखिए एक हम सर्विंग बाउल ले लेंगे, उसमें हम इस तरीके से डाल लेंगे अपने पनीर को। ये बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है। गार्निश करने के लिए हरे धनिए के पत्ते डालेंगे। थोड़ी सी क्रीम,
हमारा बटर पनीर मसाला बनके एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है हमने, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई आइटम्स के साथ।